हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर गेम स्पेस 2.5.0 के बारे में, जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 का नया अपडेट के साथ में यहां पर देखने को मिल जाता है। इससे पहले गैलरी एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन और नोट्स एप्लीकेशन आए हुए थे, परंतु अब ये जो एप्लीकेशन है वो यहां पर काफ़ी कुछ खास यूआई के साथ में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है 2.5.0 के साथ में। यहां पर इस एप्लीकेशन का अगर मैं आपको वर्जन दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं टैप करके आपको ऐप इन्फो पर लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसका जो वर्जन है 2.5.0 देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन का जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये किस तरीके की यूआई के साथ में आता है वो सब कुछ कुछ स्टार्टअप आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, हाई गेमर, वेलकम टू गेम्स। अब मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर बूस्ट योर गेमिंग एक्सपीरियंस इमिडिएटली, कन्वेंट टूल्स टू एम्पलीफाई योर गेमिंग, व्यू गेमिंग डेटा एंड स्टेटिस्टिक। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर स्टार्ट पर टैप करेंगे और ये फर्स्ट टाइम में आपको एक्सप्लोरर पेज पर ले जाएगा, जो कि इस पर नया चीज़ ऐड किया गया है। एक्सप्लोरर के अंदर आप यूट्यूब के द्वारा जो भी वीडियो आती हैं यहाँ पर गेमिंग से लेकर के टॉप वो यहाँ पर सभी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको डेट भी अवेलेबल होगी कि यहाँ पर किस डेट को वीडियो अपलोड की गई है। तो ये कुछ इस गेम स्पेस में एक नया फीचर्स ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पर आप इपिक गेम के एप्लीकेशन जो कि फोर्टनाइट है उसे आप यहीं से प्ले कर पाएंगे, साथ में इंस्टेंट गेम के फीचर्स को आप यहीं से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ से यूज कर पाएंगे जो कि आपको एक्सप्लोरर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर यूट्यूब के द्वारा कोई भी वीडियो को आप प्ले करते हैं तो यहीं से आप कुछ इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब लिखा हुआ है, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाना चाहें तो यहाँ पर टैप करके आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। तो इसी के द्वारा आप वीडियो को प्ले करेंगे, यहाँ पर आपको एड भी देखने को मिलेंगे वीडियो में, सब कुछ यूट्यूब की तरह ही चलेगा। यहाँ पर कमेंट वगैरह सब कुछ आप रीड कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमाल का फीचर्स है। यहाँ पर टैप करते हुए आप अपनी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जो कि वन प्लस कम्युनिटी की प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरफ आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर माई गेम्स देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आपके जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो यहाँ पर आपको एडिट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड करने का, मैं फिलहाल मैं यहाँ पर सभी एप्लीकेशन को हटा देता हूँ। तो आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड गेम्स देखने को मिलेगा, यहाँ के द्वारा आप जो भी आप एप्लीकेशन को अपने ऐड करना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इस वन प्लस के गेम एप्लीकेशन को आप वन प्लस 7 सीरीज़ पर या फिर आप वन प्लस नॉर्ड सीरीज़ पर भी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा नॉर्ड डिवाइस है, इस पर भी मैंने इसको इंस्टॉल कराया हुआ है। यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन को ऐड करेंगे उसकी यूआई कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्टार्ट गेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो ऑलवेज इनफाइनाइट, साथ में यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मूवमेंट्स पर अगर आप टैप कर देंगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी इसी एप्लीकेशन से, और अगर आप यहाँ पर जिस किसी गेम एप्लीकेशन को ऐड करते हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो देखनी है तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। अब आपको फाइल मैनेजर या फिर गैलरी में जाकर के अलग अलग वीडियो को चूज करने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर आप पिक्चर के आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर सभी आप मूवमेंट्स देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपने रिकॉर्ड की हुई होंगी, तो ये आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर गेम्स पर अगर आप टैप कर देते हैं तो यहाँ पर आपको गेमिंग मोड अवेलेबल देखने को जाता है, इसकी सेटिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को शो कराना चाहते हैं या फिर ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर आप टेक्स्ट ऑनली करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप मिस टच प्रिवेंट को इनेबल कर सकते हैं, और या फिर आप फाइनाइट मोड को इनेबल करना चाहें एक इसी गेम के लिए तो यहाँ पर इसी के लिए इनेबल रहेगा, और ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है जो किसी भी एप्लीकेशन को आप प्ले करते हैं। तो ये आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा फीचर्स देने वाले हैं जो कि आपको केवल एक ही एप्लीकेशन पर वो चीज़ अवेलेबल होगी, तो ये भी आपको कैटलॉग जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ अपडेट आपको इस तरीके का निकल कर आया हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आपको मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऐड करने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड गेम्स करके आप नए एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज व्यू करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ दो तरीके के लेआउट में यहाँ पर चला जाता है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पहले की तरह ही सभी सेटिंग्स अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको पहले देखने को मिलती थी, और कोई भी यहाँ पर नई सेटिंग्स फिलहाल में अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर आप टैप करके आप गेम स्टेटिस्टिक देख सकते हैं, जितने भी टाइम आपने गेम या फिर एप्लीकेशन को प्ले किया होगा
इसमें ऐड करते हुए तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप इंस्टॉल करा सकते हैं, इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और मैं यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉलेशन बताने से पहले इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉलेशन करना बता देता हूँ, क्योंकि आपने अगर इसे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अनइंस्टॉल अपडेट पर टैप करते हुए इस एप्लीकेशन को 2.5.0 को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, डाउनलोड के फोल्डर में जाना होगा, आपको डाउनलोड की हुई फाइल देखने को मिल जाएगी गेम्स स्पेस 2.5.0 के नाम से 47.84 MB की। इस पर आपको टैप करना है, कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल पर टैप कर देना है। अब आपको लगभग थोड़ी समय के लिए वेट करना है और उसके बाद आपको यहां पर डन और ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यूआई बताया था कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो इसी तरीके से आप यहां पर स्टार्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।